अन्याय, अत्याचार, अपमान हमेशा से ही तो, लेकिन औरत अब तैयार नहीं अत्याचार सहने को। बदल रहा है समाज, शौर्य दल के साथ। शौर्य योजना तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत 24 जून 2013 को मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शुरू की गई और इसके परिणाम बहुत अच्छे हमें मिले हैं। अब बहुत सारे जिलों में, डिंडोरी में, बालाघाट में इस दल के माध्यम से जो काम किए गए, कदम उठाए गए हैं महिलाओं और बच्चों के हित में, उसको देखते हुए अब इस योजना की शुरुआत हम संपूर्ण प्रदेश में 19 फरवरी को 2014 को करने जा रहे हैं। और इस दल में हमारे 10 सदस्य होंगे, 5 महिलाएं, 5 पुरुष प्रेरक के रूप में इसमें काम करेंगे। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो हिंसा की, अपराध की या उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगे, उनके खिलाफ जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, उन्हें न्याय दिलाना, उनके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति उन्हें सचेत करना और साथ ही साथ सामाजिक सहभागिता से ये सारे काम वो ये दल अपने काम पूरे करेगा। ये टीकमगढ़ जिले का तरीचर कला गांव है और ये गपशप नहीं हो रही। एक दालान में जमा ये महिलाएं अपने अपने दर्द, अपनी अपनी मुश्किलें साझा कर रही हैं और शौर्य दल के साथ तलाश रही हैं समाधान भी। अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि एक महिला मदद की गरज से शौर्य दल के पास आई। इस महिला के साथ उसके घर पहुंचकर शौर्य दल को पूरा माजरा समझ में आया। घर के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया था कि जब 15 दिन के इस मासूम बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। यहां पहुंचे शौर्य दल के सदस्य, जिनमें आशा कार्यकर्ता भी थी, इन सब ने मिनट भर की भी देरी नहीं लगाई और 108 नंबर पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुलाया और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गईं। शौर्य दल की कोशिश इस मां के चेहरे पर आई खुशी और इत्मीनान में छलकती है। छतरपुर जिले का ये नटपुरवा गांव है। यहां इस वक्त शौर्य दल की ये महिलाएं अपनी पहचान गुन रही हैं। ये टोपी कि जिससे दूर से ही पहचाना जा सके कि ये शौर्य दल सदस्य हैं, और नारे के साथ जुबां पर उतरते ये गीत जो गांव गांव में शौर्य दल की दस्तक के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास भी बन रहे हैं। आत्मविश्वास जिसकी बदौलत ये अपने आसपास की महिलाओं का जीवन बदल रही है। बालिकाएं हैं वो स्कूल जाती हैं तो बस में कहीं कोई छेड़छाड़ करता, परेशान करता, कंडक्टर करता, उन्हें किराए के ऊपर से झगड़ा वगड़ा हो जाता है, कुछ कहने लगता उठपटांग, तो उसके लिए भी उनको बताया कि 1098 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। पन्ना जिले की ही है ये दूसरी तस्वीर भी। कितना दुर्लभ है गांव का ये नजारा। गांव के पुरुष जो शौर्य दल के सदस्य भी हैं, महिला सशक्तिकरण के गीतों को आवाज दे रही हैं, थाप दे रही हैं। यही मुलाकात हुई लुधनी गांव की महिला सरपंच हरिबाई से। परिसीमन के बाद मौका मिला और आदिवासी वर्ग से आने वाली ये महिला गांव की सरपंच बन गई। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। घर की दहरी से पहली बार बाहर निकलकर इस जिम्मेदारी को संभालना हरिबाई के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन शौर्य दल की बदौलत महिला सरपंच हरिबाई का आत्मविश्वास जैसे फिर लौट आया। वो जान गई अपने अधिकार और कर्तव्य भी। शौर्य दल में जुड़े भाई, जब से हमने शौर्य दल में जुड़े, जब से हमको डर मिट गया और सब सकियन के हम चाहिए थे, और जब हमारी है लुधनी ठकरा सी
सो डरात रहे, अब जितना से सौर्य दल में जुड़े हैं तो हमारा डर मिट चुका। ये डिंडौरी जिले का ग्राम कोहानी देवरी है, बुंदेलखंड हो या आदिवासी बहुल्य डिंडौरी जिला, औरत के दर्द की दास्तान हर तरफ एक सी है। महिला को उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया कि वो घर वापस न जा सके। रात तक इंतजार किया पर जब पति का दिल नहीं पसीजा तो हार कर वो रात में ही शौर्य दल के पास चली गई। उसे भरोसा था कि रात गए भी गांव में सिर्फ शौर्य दल है जो उसकी मदद को हाथ बढ़ाएगा। दरवाजा लगा दे, सिखाए तक नहीं दे, हमारे बाप हसियाने हैं, मैं दारी भी नहीं आ दो। शौर्य दल के सदस्यों ने पहले उसे हिम्मत बढ़ाई और भरोसा दिया कि वो अपने घर लौटकर जरूर जाएगी। शौर्य दल के सब चिंता मत करो, बच्चे वाले कहाँ जाएगी वो? अरे भगा भी कहाँ रहा? आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे, हम तो दीदी आए किस लिए आए? रात के बाद आप मारोगे पीटोगे नहीं, और दोबारा आप मारोगे पीटोगे, हम जाके थाने में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस तरह से गलती होनी नहीं चाहिए। नहीं, ठीक नहीं करेगी अब गलती, मात्र अब नहीं करोगी दोबारा गलती, ध्यान रखूंगी। शौर्य दल की कोशिशें रंग लाई, सुलह समाधान से रास्ता निकला और घर से बेघर हुई इस महिला की घर वापसी हो गई। शौर्य दल को लेकर गांव-गांव में जागरूकता आए, इसके लिए शौर्य दल ने नुक्कड़ नाटक भी तैयार किए हैं। डिंडौरी जिले के गोरखपुर गांव में ये नुक्कड़ नाटक का ही मंचन किया जा रहा है। इस नुक्कड़ नाटक में किसी घर का दृश्य दिखाया गया है कि कैसे एक पति और उसका दोस्त घर में शराब पीते हैं और वो पति अपनी पत्नी को पैसों के लिए मारता पीटता है। फिर कोटवार उस घरेलू हिंसा की शिकार महिला को शौर्य दल के पास ले जाता है। ये वो दृश्य है कि जब शौर्य दल के प्रयास सफल होते दिखाई देते हैं। शौर्य दल ने पुलिस के जरिए मध्यस्थता की और अब घरेलू हिंसा करने वाला ये शराबी पति अपने किए पर शर्मिंदा है और पत्नी से माफी मांग रहा है। और अब आपको दिखाते हैं बालाघाट जिले का एक ऐसा गांव मोहाड़ी, जहां लोगों की सुबह और शाम शराब के साथ ही होती थी। यूं समझिए कि इस गांव की आधी आबादी शराब के ही धंधे में लगी थी, लेकिन शौर्य दल ने जैसे इस गांव पर लगा दाग मिटा दिया। बड़ा बदलाव ये कि अब इस गांव में शराब बेचने और बनाने पर प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों की ये तस्वीरें बताती हैं कि कुल 6 महीने के छोटे से ही समय में शौर्य दल ने अपने मकसद को छू लिया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सशक्त नेतृत्व और प्रयासों की बदौलत आज शौर्य दल सिखा रहा है स्त्री को आत्मसम्मान के साथ शौर्य बनकर जीना।